उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने एआरटीओ की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि भीड़ ने एआरटीओ से हाथापाई भी की है। पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि आज एआरटीओ बीडी मिश्रा चेकिंग के लिए एक ट्रेलर का पीछा कर रहे थे। ट्रेलर चालक तेज रफ्तार से गाड़ी को लेकर भाग रहा था। अभी वह पट्टी चौराहे के निकट पहुंचा ही था कि अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गया। ट्रेलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत नाजुक है। एआरटीओ साहब हाईवे में चेकिंग कर रहे थे। हाईवे में चेकिंग करने के बाद एक ओवरलोडेड ट्रक पकड़ा गया है। ओवरलोडेड ट्रक को उन्होंने चालान किया है। चालान करने के बाद जब एआरटीओ साहब हाईवे में चढ़ के वापस आना की कोशिश कर रहे थे, उनका ट्रक वाले अपने गाड़ी में चढ़ के उसके बाद एआरटीओ साहब को मारने की कोशिश किया गाड़ी से, तो उसमें गाड़ी को बहुत ज़्यादा राइट में डैमेज हुई। उसके बाद पर जब ये पट्टी करके एक जगह पर पहुंचने के बाद जलालपुर में अनियंत्रित होकर वो गाड़ी साइड पे जो घूमती है उसको मार दिया है, और उसमें दो पब्लिक बैठे हुए थे, एक महिला था शांति करके और दूसरा एक लड़का था 24 साल। दोनों को एक महिला को चोट आ गई, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था, और दूसरा है तो बहुत मुश्किल से पब्लिक ने वहाँ से निकला है। एट द सेम टाइम कुछ वहाँ का मॉब जो है एआरटीओ गाड़ी को फूंक दिया है और एआरटीओ ड्राइवर को भी चोट पहुंचाया है। और हम लोग को सूचना मिलने के बाद मैं और कप्तान साहब मौके पर जाके मुआयना किया है और हॉस्पिटल में भी उनको ट्रीटमेंट देने के लिए उन्होंने कहा है। अभी अनफॉर्चुनेटली ये सूचना मिली है कि वो लड़का तो भी डेथ हो गया है।